हेलो बच्चों, मैम डी यादव और आप देख रहे हैं सूर्योदय सक्सेस पॉइंट। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रश्नावली। पहला प्रश्न है, निम्न के मान लिखिए या निम्न के मान निकालिए। क्वेश्चन हमें दे रखा है साइन 60, कोस 30 प्लस साइन 30, कोस 60। तो हमें इनकी साइन 60 की वैल्यू भी निकालना आना चाहिए या वैल्यू भी पता होना चाहिए। कोस 30 की वैल्यू हमें पता होना चाहिए, साइन 30 की वैल्यू और कोस 30। अभी जितनी भी वैल्यूज हम निकालते हैं ना अनुपात, वो यदि आपको निकालना नहीं आता है तो उसकी जो सारणी है वो कैसे बनाते हैं, उस वीडियो का लिंक जो है वो आपको कहाँ पे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो वहां से जाके अनुपात कैसे निकालते हैं, सारे कैसे याद करने, उसकी जो सारणी है उसको कैसे याद करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए स्टार्ट कर दें। साइन 60, साइन 60 की जो वैल्यू है वो है √3/2, बीच में कोई भी संख्या नहीं है इसलिए गुणा का निशान। फिर है कोस 30, और कोस 30 की जो वैल्यू है वो भी √3/2 है, प्लस का निशान। साइन 30 की वैल्यू जो है इसमें 1/2, और कोस 60 की वैल्यू भी क्या है, 1/2। अब √3 को √3 से गुणा करूंगी तो 3 आ जाएगा, और 2 को 2 से करूंगी 2 दूनी 4, प्लस 1 एकम 1 और 2 दूनी 4, तो आ जाएगी 3 प्लस 1, और 4 और 4 को जोड़ा तो नीचे दोनों में 4 4 है तो क्या आएगा, 4। 3 और 1 4, तो 4/4 काटूंगी तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, 1। तो हमारा जो पहला प्रश्न है उसका आंसर कितना आया, 1। राइट हो गया। तो कंप्लीट क्या आना चाहिए, सिर्फ आपको ये जो वैल्यू है ना अनुपातों की जो वैल्यू है वो निकालना चाहिए। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दूसरा। अब दूसरा जो है वो 2 तो है ऐसा कैसा, 10² 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो 10² 45 उसकी जो वैल्यू है 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 30, कोस 30 की वैल्यू होगी √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 60। साइन स्क्वायर 60, तो साइन स्क्वायर 60, साइन 60 की वैल्यू है √3/2 का स्क्वायर। 2 एकम 2 प्लस रूट हटेगा, 3 का स्क्वायर निकलेगा तो 3/4 आ जाएगा, 2 दूनी 4। इधर भी सेम संख्या है तो 3 का 3 और 2 दूनी 4। अब प्लस माइनस में 3/4 तो ये कट हो गया, तो जो दूसरा प्रश्न है इसका उसका आंसर कितना बचा, केवल 2। तो आंसर कितना आया हमारा, 2। ठीक है, नेक्स्ट। थर्ड वाला प्रश्न है कोस 45, कोस 45 की वैल्यू कितनी है, 1/√2। फिर है सेक 30, और सेक 30 की वैल्यू है 2/√3 प्लस कोसेक 30 की जो वैल्यू है, कोसेक 30 की जो वैल्यू है वो होगी हमारी 2। सेक 30 की तो थी हमारे पास 2/√3, कोसेक 30 की कितनी हो गई, 2। सॉल्व करेंगे किसको, 1/√2 ऐसा कैसा रहेगा ऊपर वाला। अब ये √3 है ना, उसको 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 प्लस 2√3 बटावा में √3। इसको गुणा किया तो 2√3 आ गया, तो इसको इससे गुणा करेंगे और इसको इससे गुणा, ठीक है ना। गुणा करते हैं तो √3 को 1 से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, √3, ठीक है। और नीचे कितना रह जाएगा, √2, √2 ब्रैकेट 2 प्लस 2√3, ये रह जाएगा। अब यहां हमारे पास जो है ये जो संख्या है 2 प्लस 2√3,
उसे हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। तो हर का परिमेयकरण करने से क्या होता है, ये जो संख्या होती है ना, तो 2 + 2√3 है ना, तो यहाँ पे आपको लेना है 2 + 2 − 2√3। ठीक है, ध्यान रखना है 2 − 2√3 लेना है, और यहाँ पे भी आएगा 2 − 2√3। प्लस में तो किस में लेना है, माइनस में लेना है। यहाँ इसको गुणा करेंगे तो 2√3 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, माइनस में 3√3 को गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 × 2 = 6 क्या आ जाएगा, 6। ठीक है ना, √3 को यदि 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। ठीक है ना, नेक्स्ट नीचे हमारे पास √2 है एंड 2 × 2 = 4 माइनस 2 × 2 = 4 इंटू 3। √3 को 3 से किया तो क्या आया, 3 आया बाहर। अब इसमें से हम संख्या कॉमन ले लेंगे, √2 अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा, इधर 2 क्योंकि √2 तो √6 क्या, √6 माइनस के तीन रूट दो बटा में क्या होगा, √2 4 − 4 = 12। √2 से √2 कट हो गया, हमारे पास बचा माइनस, यहाँ से बाहर लेंगे तो माइनस 3√2 −√6 बटा 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा माइनस का, तो माइनस से माइनस यदि कट हो गया तो कितना आ जाएगा, 3√2 −√6 बटा क्या आएगा, 8। तो ये हो गया हमारा कौन सा आंसर, क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अब हम करेंगे इसका 4 नंबर, और क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो है हमारा sin 30 + tan 45 − cos 60 / sec 30 cos 60 + cot 45। तो sin 30 की जो वैल्यू है सबसे पहले तो वो लिखेंगे हम, और sin 30 की वैल्यू है 1/2। ठीक है ना, प्लस tan 45 की वैल्यू 1 है, माइनस cosec 60, और cosec 60 की वैल्यू 2/√3। ठीक है, बटा sec 30, अब sec 30 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2/√3। cos 60 की वैल्यू 1/2, और cot 45 की वैल्यू भी कितनी है, 1। ठीक है, इस 1 को इसमें जोड़ लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × 2 = 3/2 माइनस 2/√3, और फिर यहाँ पे 2/√3 2 × 2 = 3 प्लस में 3/2। ठीक, सॉल्व करेंगे इसको तो 2 को √3 से करेंगे, 2√3 क्रॉस गुणा तो 3√3 और 2 × 2 = 4 माइनस का 4 बटा, सेम यहाँ पे भी ऐसा ही होगा बट प्लस में रहेगा, 3√3 + 4/√3। ठीक है, अब गुणा होगा ये इससे होगा और ये इससे होगा। ठीक है ना, सबसे पहले 3/√3 − 4 ×
दो रूट तीन, ऊपर वाली को सबसे नीचे वाली से करना है। नीचे क्या है, 3√3 +4 2√3, ठीक है, बीच वाले को बीच वाले से, तो ये तो कट हो गया 2√3। अब क्योंकि सेम वही हर का परिमेयकरण करना है तो इनटू में हम क्या लेंगे, नीचे वाली संख्या को लेना है, 3√3 -4 और 3√3 -4, +4 है ना, तो माइनस लेना है आपको, ध्यान रखना है ये चीज। अब तो 3 3 का 9, 9 3 27 और 4 4 16, 4 4 क्या जाएगा 16, ठीक है, ये तो हो गया हमारा। नेक्स्ट है एंड यहाँ पर आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा 16 तो, और माइनस में आएगा 2 3 6 6 4 24 √3, ठीक है। नीचे हमारा आएगा 3 3 का 9 9 3 27 और 4 4 16, आंसर क्या आएगा वो सॉल्व करके देखना है हमें। तो 27 को 16 से जोड़ेंगे तो 6 और 7 11 का 1 हासिल 1, 6 और 7 13 का 3 हासिल 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 45 -24 √3, और 27 में से यदि हम 16 घटाएं, 27 में से यदि हम 16 घटाएं तो कितना आएगा 11, 11, ठीक है। तो ये आंसर हो गया 43 -24 √3। अब नेक्स्ट करना है हमें, नेक्स्ट कौन सा है, पांचवा प्रश्न है और पांचवी की वैल्यूज हम लिखेंगे। तो 5 है तो 5, कोस स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू लिखिए कोस, कोस की वैल्यू, कोस 60 की वैल्यू लिखनी है, कोस 60 की जो वैल्यू है वो है 1/2 +4 सेक स्क्वायर 30, तो सेक की वैल्यू, सेक 30 की वैल्यू है 2/√3 स्क्वायर माइनस 10 45, 10 45 की वैल्यू 1 होती है और 1 का स्क्वायर, बटा में साइन 30 की वैल्यू देखिए आप, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 है प्लस कोस 30 की वैल्यू 3/2, ठीक है ना। तो यहाँ पर आएगा 5 × 1/4 +4 × 2 2 × 4 4/3 -1, बटा में 1/4 +3/4 3/4, पांच बटा चार प्लस 4 4 16/3 और -1, नीचे क्या है 1 + 3/4 और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4/4 और इसकी वैल्यू भी क्या होती है 1, तो ये 1 नीचे आ गया, नीचे 1 है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो उसको आप छोड़ दीजिए, हमें लेना है सिर्फ इसी क्वेश्चन को। तो 4 और 4 3 का 12, एलसीएम निकालने पे 12, और 4 का 12 बोलिए 12 कितनी बार में आएगा, 3 बार में, 3 5 15, 3 का 12 बोलिए 12 4 बार में आएगा तो 16 चौक 64 और -12 1 12, 15 में 64 प्लस करेंगे फिर 12 माइनस कर दीजिए तो आएगा 67/12, नीचे 12 ही है तो 67/12, आंसर कितना हो गया हमारा 67/12, ठीक है। तो ये पांचों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हमारे इसके, एंड अभी तक आपने इस क्वेश्चन, आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, थैंक यू सो मच।